तो ब्लॉगर्स के लिए पांच ऐसी टिप जो 2022 में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारीगर साबित हो सकती हैं और उनकी मदद से आपका चैनल ग्रो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ देखो, पिछले साल इन्हीं दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी पांच टिप्स ब्लॉगर्स के लिए 2021 में, जो वीडियो इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, किसी ने सोची नहीं होगी कि 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो पे हैं। तो वो पांच टिप्स भी यानी कि बहुत ज़्यादा कारीगर लोगों को साबित हुई। अब आज की जो पांच टिप्स है वो उन पांच टिप्स से अलग है, ठीक है ना, तो ध्यान दें। टिप नंबर वन, पहले आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि किस तरीके के व्लॉग आप बना सकते हो। अब इसमें नीश जो होती है वो अलग होती है कि आप लाइफस्टाइल व्लॉग बनाने हैं या ट्रैवलिंग व्लॉग या फूड व्लॉग, जिम व्लॉग, जो भी आपको बनाना है वो आपकी नीश है, लेकिन वो बनाने किस तरीके से है। अब इसमें हमारे जो दो प्राइम एग्जांपल है वो ये कि सौरभ जोशी जो है, अब जैसे कि वो इस तरीके से व्लॉग बनाते हैं कि हे गाइस अब हम यहाँ जा रहे हैं, हे गाइस अब हम वहाँ जा रहे हैं, अब हम ये खा रहे हैं, अब हम ये खा रहे हैं, इसने ये कर दिया। ये एक नॉर्मल रूटीन वाले आपके व्लॉग्स हैं। वहीं पे कैमरे वाले भैया जो चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सिनेमैटिक स्लो मोशन टाइप एडिटिंग अच्छे से बहुत ज़्यादा करके उस टाइप के वो व्लॉग्स बना के उसमें स्टोरी टेलिंग करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं व्लॉग्स। तो यहाँ पे आपको डिसाइड ये करना है कि आपको किस तरीके की कैटेगरी चूज़ करनी है, स्मूथ सिनेमैटिक वाली या फिर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बोलने वाली। क्योंकि ना तो सौरभ जोशी के व्लॉग सिनेमैटिक स्मूथ स्टोरी टेलिंग टाइप के हो सकते हैं और ना ही उनके ऑडियंस को शायद पसंद आए, वहीं पे ना ही कैमरे वाले भैया के व्लॉग उस तरीके के हो सकते हैं कि हे गाइस देखो अब मैं ये करूं, अब मैं वो करूं, अब ऐसा करूं, अब वैसा करूं। दोनों की ही ऑडियंस काफ़ी अलग है और दोनों को ही किस तरीके से पसंद आती है चीज़ें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है। टिप नंबर टू है कि हाँ गाइस, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ करना बंद कर दो। अब मैंने बहुत से ऐसे ब्लॉगर्स देखे जो 8 मिनट का व्लॉग होता है जिसमें 4 मिनट वो ऐसे बालों में हाथ ही मार रहे होते हैं। ये जो छोटी छोटी हरकतें हैं ना, ये करना बंद कर दो, ठीक है ना। टिप नंबर तीन है, ये जो स्क्रीन में ऐसे नहीं देखना, यहाँ आँखों को लेंस की तरफ मोड़िएगा और लेंस में देखिएगा। काफ़ी लोगों को ये भी कंप्लेंट आते हैं कि यार हमारे तो ऐसे टेढ़ा क्यों नज़र आते हैं हम, वो इसी वजह से आते हैं कि जब आप कैमरा में ऐसे व्लॉग करते हैं तो आप स्क्रीन में खुद को देख रहे होते हैं जबकि आप कैमरा के लेंस की तरफ आपको देखना होता है। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखोगे तो टेढ़े ही नज़र आओगे वीडियो के अंदर, ना तो फिर उससे ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बनेगा, ना ही आप अच्छे नज़र आओगे। तो दोनों चीज़ों को बचने के लिए आपको आई कॉन्टैक्ट करना है अपने लेंस के साथ, ना कि डिस्प्ले के साथ, ठीक है ना। वीडियो के बीच में मैं एक अनाउंसमेंट छोटी सी करना चाहूँगा कि मेरा भी एक व्लॉग चैनल है जिसपे 6500 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, मोनेटाइज भी होना है, थोड़ी कमाई भी हो जाती है उस पर, मैं एक्टिव नहीं हूँ अब, वो मैं बेचने की सोच रहा हूँ। अगर आप में से किसी को लेना चाहते हो जिसमें थोड़ा सा पुश आपको ऑलरेडी इतनी ऑडियंस बनी बनाई मिल जाए, चैनल मोनेटाइज मिल जाए, तो आप मेरे को इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके लिए। टिप नंबर 4 है कि बोलना किस तरीके से अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि हम ठीक से बोल नहीं पाते कैमरा के सामने। तो उसमें देखो ये होता है कि सभी को ये प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपका बोलने का तरीका भी अच्छा होता जाएगा। और इसमें आप कोशिश कर सकते हो कि आपके शब्दों का जो उच्चारण है वो ज़्यादा क्लियर रहे। अब रीटेक देखो, हमें भी बहुत ज़्यादा लगते हैं इस तरीके की वीडियोस बनाने में या किसी भी तरीके की वीडियो बनाने में, जिनको 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है रीटेक वो भी लेते हैं। इनफैक्ट वही लोग ज़्यादा रीटेक लेते हैं क्योंकि उनको अपनी गलतियाँ साथ साथ समझ आती रहती है कि किस तरीके से हमारे बोलने के तरीके में गलतियाँ हो रही हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप अपने हिंदी शब्दों का उच्चारण ज़्यादा करोगे या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके कुछ चीज़ों को ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी उस चीज़ की तरफ, उनको एकदम अटेंशन मिलेगी कि अरे ये क्या बोला, ये कैसे बोला, ये तो बड़ा अच्छा लगा, है ना। तो अलग अलग चीज़ों को हमें नोट करते जाना है। अब अगर तो आप पूरा व्लॉग एक ही सीन में बोले जा रहे हो तो लोग बोर हो जाएंगे वहाँ पे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये अपना बोलना कब ज़्यादा है कब थोड़ा सा कम है, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए सबसे अच्छा मुझे लगता है कि आपको जहाँ से सीखने को मिलेगा, या तो आप पोइट्री शायरी ये सब चीज़ें ज़्यादा देखना शुरू करो, वहाँ पे वो किस तरीके से किन शब्दों के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, किन शब्दों के ऊपर थोड़ा कम जोर देते हैं, वो सब चीज़ें आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो रीटेक नहीं लेते। टेक बर्नर जो है इस समय इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ऐसे टेक चैनल है, वो अपने दूसरे चैनल पर व्लॉग्स भी डालते हैं और उस इंसान से ज़्यादा रीटेक लेता हुआ इंसान मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत ज़्यादा रीटेक लेते हैं श्लोक, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है ना, वो भी लेते हैं, हम भी लेंगे, आप भी ले सकते हो रीटेक, रीटेक लेते रहो, उसकी टेंशन नहीं है, बोलना अच्छा होना चाहिए। टिप नंबर 5 है, अगर तो आपको समझ नहीं आ रहा कि यार हमारी तो बोरिंग लाइफ है तो हम क्या व्लॉग्स बनाए, तो उसके लिए मैंने एक 100 आइडिया स्टोरी नाम की एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पे आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि किस तरीके से हमें फ्यूचर वीडियोज़ प्लान करनी है ताकि हमें कभी भी टॉपिक की कमी ना पड़े।
अब उसके साथ साथ ही अब जैसे आप देखो लोहड़ी आने वाली है अब 13 तारीख को। लोहड़ी जो है बेसिकली हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ साइड पे बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, तो अगर आपके एरिया में स्टेट में कहीं पे भी अगर वो सेलिब्रेट नहीं भी करते हैं तो भी ये चीज़ जो है ट्रेंडिंग पे तो रहेगी। आप इसके ऊपर रिसर्च करके अपने वीडियो में बात तो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि लोहड़ी क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, किधर बनाई जाती है, उस सब के बारे में आप थोड़ी सी बात करोगे अपने व्लॉग के अंदर, वो टाइटल होगा आपका, वही थंबनेल पे होगा इस तरीके से, तो वो वीडियो आपकी ट्रेंडिंग पे भी जा सकती है और आपके व्लॉग्स वायरल भी हो सकते हैं अगर आप वीडियो में अच्छी बातें कर रहे हो तो, जो लोगों को मतलब पसंद आ रही हो। तो गाइज आई होप ये जो 5 टिप्स है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, आपके डेफिनेटली काम आएंगे, अगर आप इनके ऊपर काम करोगे तो 2022 के एंड होने तक आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो कर जाएगा। और ऐसे ही फ्यूचर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।